नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फॉरमैन चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं टीवीएस एक्सल हैवी ड्यूटी टू स्ट्रोक मोपेड के फ्रंट व्हील के ब्रेक शू को कैसे चेंज किया जाता है, तो पूरा डिटेल में वीडियो में देखेंगे। तो ये रहे फ्रंट व्हील के ब्रेक शू, जो टीवीएस के जूनियन पार्ट में से है। ये मुझे मिले 140 रुपये में। और इसके बाद दोस्तों, फ्रंट व्हील के ब्रेक का केबल है, जो मुझे मिला है 60 रुपये में। तो दो ब्रेक शू के साथ दो स्प्रिंग भी मिल जाता है। और आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल इसका जो लेदर है वो जेन्युइन है। तो हमेशा ब्रेक शू का अच्छी क्वालिटी का उपयोग करें, ज़्यादातर हो सके तो टीवीएस का ही खरीदे, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का आता है। तो ब्रेक शू को लगाने के लिए सबसे पहले हमें व्हील को खोल लेना है। तो व्हील को खोलने के लिए 19 नंबर का पाना चाहिए, और एक ब्रेक केबल को निकालने के लिए 10 नंबर का टी रिंच या कोई भी आपके पास होगा तो चल जाएगा। तो सबसे पहले ब्रेक केबल को हटा लेना है। इसके बाद 19 नंबर के रिंच से एक तरफ से एक्सल के बोल्ट को निकाल लेना है। तो ये व्हील आ गया बाहर। तो इसमें ऑलरेडी ब्रेक शू पहले ही मैंने कल निकाल दिया था, जब इस बाइक का पहले वाला वीडियो बना रहा था तभी। तो चलिए, इसके अंदर ब्रेक शू को इंस्टॉल कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ब्रेक शू को लगाने से पहले इसमें हमें ऑयल लगा लेना जरूरी है। और ऑयल लगाने के बाद थोड़ी देर इसको ऐसे हिलाएंगे तो इसके अंदर ऑयल जो है वो फैल जाएगा। तो दोस्तों, ब्रेक शू का जो स्प्रिंग है वो इस प्रकार से हमें इसमें लगाना है। ये इसको ऐसे इस प्रकार से जोड़ना है, और थोड़ी मशक्कत के बाद ये लग जाएगी। तो इस प्रकार से लगा लेनी है, इस प्रकार से रखना है। और धीरे से इसको थोड़ा सा ताकत वाला काम है, तो ये लग चुका है। आप देख सकते हैं बिल्कुल आ चुका है, और ये आप देख रहे हैं काम भी कर रहा है। तो इस प्रकार से इसको इंस्टॉल कर लेना है। और इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत ऑयल हमें लगा लेना है, क्योंकि इसके अंदर कहीं कोई लुब्रिकेट नहीं होता है। इसी प्रकार से इसको साफ कर ले, ताकि इसके अंदर क्या है कि डस्ट जमा ना हो। तो ये व्हील के बेरिंग के ऑयल सेल को निकाल के इसके अंदर थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे, तो इसका बेरिंग का जो आयुष्य है थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो चलिए, इसको अंदर बेरिंग में ग्रीस कर ले। तो इसको इस प्रकार से निकाल लेना है। इसके बाद दोस्तों, जो ये बेरिंग का ऑयल सील है उसको निकालने के लिए आपके पास सुई और ऐसा छोटा सा एक पेचकस चाहिएगा। तो चलिए, इसको कैसे निकालते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले क्या करना है, हमें इसके अंदर सुई से थोड़ा सा ऊपर उठा लेना है, और जैसे ही इसमें जगह बने तो ये जो डिशमिश है वो डाल देना है, बाहर आ जाएगा। ऐसे बाहर आ गया है, देख सकते हैं आप। और इसके अंदर थोड़ा सा भी हम, आप देख सकते हैं इसमें ग्रीस थोड़ा सा कम है, तो थोड़ा सा इसमें लगा लेते हैं।
इसके बाद वापस ऑयल सील को हमें लगा लेना है। जैसे इसको हमने निकाला था इसी प्रकार से वापस धकेलेंगे तो ये लग जाएगा। इसके बाद इस ऑयल सील को भी हमें वापस साफ करके लगा लेना है। इस प्रकार से तो चलिए इसकी अपोजिट साइड में भी लगा लेते हैं। इसको भी अच्छी तरीके से कपड़े से साफ कर ले ताकि इसके अंदर भी कोई डस्ट ना रहे। जो भी काम करो वो कंप्लीट करेंगे तो इसका जो हमें रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। ये इसका मीटर का गरारी है, इसके अंदर भी अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेना है हमें। तो इसको ऐसे बाहर निकाल लेंगे और इसके अंदर भी थोड़ा सा ग्रीस लगा देंगे तो ये बिल्कुल सही घूमने लगेगा और इसका जो आयुष्य है थोड़ा सा बढ़ जाएगा। फिर बार बार ये खराब वो नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसमें भी ग्रीस लगा लेना है और इसके अंदर इसको धीरे से रख के एक चूड़ी इस प्रकार से इसमें हमें घुमा लेना है। तो दोस्तों इसको लगाने के लिए यहाँ पर दो खांचे हैं, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है और इसका दो आप देख सकते हैं टीथ यहाँ पे है। तो इस टीथ को हमें आमने सामने ले लेना है और इसके बाद यहाँ पे मेरे पास ऐसी मैस्किंग टेप है। तो लगाने से क्या फ़ायदा रहेगा कि लगाने के वक्त ये गिरेगा नहीं। अगर आपके पास ये नहीं है तो इलेक्ट्रिक की टेप जो है वो भी चल सकती है इसमें। तो थोड़ा बहुत इसमें यहाँ पर ऐसे लगा देंगे तो यहाँ से ये उठेगा नहीं। और इसके बाद इस साइड में भी यहाँ पर भी लगा देते हैं। इससे फायदा ये रहेगा कि जब हम व्हील को लगाएंगे तो यहाँ से ये निकलेगा नहीं। चलिए इसको अभी उल्टा कर लेते हैं और इसके बाद ये जो हमारा ब्रेक शू का अटैचमेंट है इसको हम लगा लेते हैं। तो चलिए इसको लगाने के लिए थोड़ा घुमाना पड़ेगा। तो ये लग चुका है। तो दोस्तों मडगार्ड को भी हमने खोल लिया है और मडगार्ड के अंदर की साइड में कलर कर लेंगे ताकि इसमें जंग कभी ना लगे। तो दोस्तों मडगार्ड को कलर हमने कर दिया है तो अभी हम लगाएंगे इसका ब्रेक केबल। तो दोस्तों यहाँ से इस केबल को पहले पुराने वाले को हटा देते हैं। तो इसको हटाने के लिए यहाँ इसका जो लीवर है यहीं से हमें निकालना पड़ेगा पहले। तो ये निकल चुका है।
इसको इसमें लगा लेना है और इसके अंदर पहले इसको लगा लेते हैं। इसके बाद इसको भी हम कस लेते हैं। तो हमारा ब्रेक सिस्टम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब इसका जो 19 नंबर का एक्सल का जो बोल्ट है उसको हम कस लेते हैं अच्छी तरीके से। तो दोस्तों, हमारा ब्रेक शू लगाने का जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है और आपने देख भी लिया कि हमारा जो ब्रेक सिस्टम है बिल्कुल अच्छी तरीके से वर्क भी कर रहा है। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो कंटेंट आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ में ही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ऐसे ही कोई टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।